the ideas flow with flow, you know. गुड मॉर्निंग ब्रो, आज है 16 जुलाई यार। लग यार फिर से ना आज मुझे महसूस हो रहा है यार कि गर्मी ना अभी गई नहीं है, गर्मी फिर से पड़ने वाली है। लगभग इस बज रहा सुबह का 8:15। एज यू कैन सी थ्रू माय मोबाइल 8:30 बजे मैं आजकल कबूतरों को खाना खिला रहा हूँ। रूटीन के बाद इस समय ना लॉकडाउन में ना मेरी रूटीन ना सेवरल टाइम चेंज हुई है, सेवरल टाइम, नॉट जस्ट वन बट 1000 टाइम्स। दैट मीन्स अ लॉट। Few moments later, कभी सुबह जागते हैं बहुत जल्दी 4 बजे जाग जाते हैं, तो कभी 7 बजे जागते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, तो कभी 2 बजे जागते हैं, कभी 4 बजे जागते हैं। तो रूटीन चेंज हो रही है, बहुत गर्मी आज। चलो तो आज मैं सोच रहा हूँ ना दोस्तों, ना आज ना बहुत दिन से ना व्लॉग नहीं डाल रहा था, तो सोच रहा हूँ बीच बीच में व्लॉग डालता रहूँ। बिकॉज वाट आई फील लाइक द आइडियाज फ्लो विथ फ्लो, यू नो, आइडियाज कम्स आउट ऑफ नोवेयर एंड इट फ्लोज विद द फ्लो। जहाँ आप व्लॉगिंग शुरू करोगे ना, वहाँ आपको आइडियाज आते रहेंगे। इट्स डजंट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव अ रियली रिच लाइफ और बहुत लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, लग्जरी वाली कार होनी चाहिए, स्केटबोर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। यू आर द स्टोरी लाइक मी, और स्टोरी होते हैं, यू आर लाइक अ ऑनियन, उसके ऊपर लेयर होती है, ठीक है। और वो जो लेयर होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लोगों के सामने लेके आए। सो दिस वीडियो व्लॉग ऑन अभी लाइक हाउ टू व्लॉग इन लॉकडाउन। भाई इस समय तो स्पेशल, दिस वुड बी लाइक स्पेशल व्लॉग टू हाउ टू व्लॉग इन लॉकडाउन, बट इट विल ऑल्सो यू नो गो फ्लो विथ इन अ पब्लिक एंड नॉर्मल व्लॉग एज वेल। सो लेट्स गो। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि जैसे ना जून मई में भी नहीं लगी है, जुलाई का 16वीं तारीख है, लेकिन ऐसा कह सकता हूँ बहुत गर्मी है। ये 10 बोटा पानी भी पी लेंगे ना तब भी कम पड़ेगा ऐसा। तो बहुत लोग सुबह उठते हैं ना, कॉफ़ी के साथ उठते हैं, चाय के साथ उठते हैं, हम भी उठते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले रहता है द आई वोक अप विथ वाटर, यू नो, व्हेन दिस इज़ माय रूटीन। जब भी मैं उठता हूँ सबसे पहले पानी जा पीता हूँ, पानी नहीं रहता तो पानी भरता हूँ फिर पीता हूँ। बट थिंग दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग्स इन द मॉर्निंग। अभी 7 बज रहा है और प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। तो ये मेरे कबूतर के लिए मैंने जो गेहूँ होता है इसको मैं 2 दिन से भिगाया हूँ, क्योंकि जो इसकी सीड कोट होती है ना, जितने दिन 2-3 दिन में भिगोगे ना तो ज़्यादा ये मुलायम हो जाती है, टूट जाती है, और कबूतर आराम से इसको नहीं खा लेते हैं। और मुझे लग रहा है ना मेरा तोता चाय को मांग रहा है। मिट्टू तुम्हें चाहिए क्या ये? ये देखिए दे दे रहा है इसको खाने के लिए, लो खा लो, खा जाओ, ईट दैट। इसको ना जो भी चीज़ रहती है ना, चाहे जिसकी भी हो ना, इसको चाहिए रहती है। आज देख सकते हो ना मौसम बहुत ज़्यादा ना चेंज है, बहुत गर्मी ऊपर बाहर धूप नहीं निकली है, लेकिन ये कह सकते हैं ना जिस तरीके से बरसात अगर हुई थी फिर इधर पीछे लगातार धूप निकल रही, उससे उमस ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये कह सकते हैं सावन आने को है। एज यू कैन सी आप बाहर देख सकते हो एकदम आज धूप निकली ही नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बता नहीं सकते, उमस एकदम फुल ऑन है। यहाँ तक कि मेरे कैमरे का जो ये लेंस है इसको भी थोड़ा सा साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी उमस आ रही है। ये देखो मेरा पेड़ है ये, हाँ यहाँ ना हमने ना सफाई करवा दी है थोड़ा, पेड़ वेड़ की हमने नहीं कराया, घर के लोग दूसरे लोगों ने कराया, अब इन लोग बुआई शायद कराएं। यहाँ एक तो बनाना का पेड़ है, और मौसम बाहर देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग है, नाइस। बाहर अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर कमरे में ना बहुत गर्मी है। सो गाइज लेट मी शो यू द वर्क प्रोग्रेस ऑफ माई लेटेस्ट ब्लॉग डैट
इज बीन वेयर आई एम वर्किंग ऑन। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी लेटेस्ट व्लॉग कल का, अभी मुझको एडिट करना है। 10 seconds later. अभी मैं वाले कंप्यूटर पर गया था, वहाँ मुझे कंप्यूटर पर कुछ काम किया तो काम उस पर दूसरा होता है, और इस पर मैं एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। मेरे लैपटॉप पर मैं एडिटिंग नहीं ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ आए हैं और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लेटेस्ट व्लॉग जो है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। ये लेटेस्ट व्लॉग है जो मैं एडिट कर रहा हूँ, और जब मैं ये अपलोड कर रहा हूँ तब तक ये डल ही चुका होगा। ये लेटेस्ट व्लॉग है जिस पर मैं अभी वह काम कर रहा हूँ। 5 minutes later. सो व्हेन इट कम्स टू व्लॉग, हाँ, लोग ज़्यादातर लोगों व्लॉग करने में यही जंगा घबरा जाते हैं, तो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ उनकी ज़िंदगी में खास नहीं है, और उनको बहुत कुछ चाहिए, उनको रिच लाइफ चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए जो उनको व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाए, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये सब अलग है, ये बात कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास फैंसी स्टफ होना चाहिए या कूल चीज़ें होनी चाहिए, लग्जरी कार्स होनी चाहिए, बाइक्स होनी चाहिए, स्केट बोर्ड्स होना चाहिए। यू जस्ट नीड हाँ अ लिटिल थिंग, हाँ, दैट इज़ द योर क्रिएटिव माइंड, जो कि उसको आपको इस्तेमाल करना है कि कैसे आप अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग लाए। यू जस्ट नीड अ लिटिल हाँ टू मेक अ व्लॉग, आपके पास हो जो भी हो उससे आप अपना व्लॉग बनाओ। और ये अच्छी चीज़ भी होती है, व्लॉग करने से एक एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की तरह होता है। जितना व्लॉग करोगे, भले ही आप उसको पोस्ट ना करो, लेकिन जब आप व्लॉग करोगे तो उसको करने से आपको उसमें बेहतर हो गए। इवन थो यू डोंट पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, बट ये एक अच्छी एक्सरसाइज रहेगी और एक अच्छा फ्लो रहता है, जिससे आप ना इसमें ना आप अपनी पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। सो फ्लो विद द फ्लो, आइडियाज कम्स आउट ऑफ नो वेयर। अगर आप ब्लॉग चालू ही नहीं करोगे तो आइडिया कैसे मिलेगा, तो जब ब्लॉग करोगे तो आइडिया उसके साथ आता रहता है। आपको ज़रूरी नहीं फैंस सिस्टम्स की, हाँ मैं मानता हूँ, आई एग्री विथ कि अगर आपके पास रोलर कोस्टर, स्केट बोर्ड, कार्स रहेंगी तो वो आपको ब्लॉग को बेहतर बना देंगी, बट वो चीज़ अलग है। यू आर द स्टोरी, हम जैसे स्टोरी हैं, सो यू आर द ऑनियन दैट मेक्स अ लेयर, सो आप बनाओ लेयर, ठीक है। बी योर सेल्फ एंड मेक इट व्लॉग इन अ क्रिएटिव वे लाइक नेवर बिफोर, एंड बी बेटर, यू नो, एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, हाँ, इवन थो यू डोंट पोस्ट इट, इट विल कीप, इट विल इंस्पायर योर क्रिएटिविटी, और आपकी व्लॉग बनाने की जो है मोमेंटम उसको बढ़ाएगा और माइंड सेट भी पॉजिटिव रखेगा। एवर सिंस जब से लॉकडाउन लगा है ना, सबसे ज़्यादा बैंड बताई है हेयर स्टाइलिस्ट की हो रही है, और उन लोगों की जो हेयर स्टाइल लेके चलते हैं, बहुत लोगों की परेशानी हो रही है। अरे यार बताएं, 2 महीने 3 महीने यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डर लग रही है बाल कटवाने में बार से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डर बनी रहती है ना दिल में, आ जाती है वो धीरे धीरे हटती है, तो वही आ गई है। तो यार बाल कटवाना बहुत ज़रूरी हो गया, देखो एज यू कैन सी माई यार हेयर इज़ गेटिंग आउट ऑफ शेप। तो बताना चाहूँगा व्लॉग में सबसे बड़ी चीज़ भी ये होती है कि कंसिस्टेंसी, यू नो, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप बराबर करते रहें, कितना कर रहे हैं व्लॉग ये मैटर करता है, और कितने दिन में आप अपलोड करते हैं मैटर करता है, ठीक है। आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आप व्लॉग करने में आपकी इंटरेस्टिंग बढ़ेगी, प्रोडक्टिव आप रहोगे अगर आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो। इससे ना ही आपकी व्लॉगिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, और ये आप इसके साथ साथ बेटर होगे, और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, और आपकी फ्लो जो रहेगा व्लॉगिंग में वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पहले से, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ मैटर, यू नो, कंसिस्टेंसी इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इज़ अ की इन व्लॉगिंग, इन एवरीथिंग, बट इन व्लॉगिंग इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बींग नॉट कॉन्फिडेंट इज ऑल्सो इज़ दैट समथिंग दैट लीड्स टू नॉट व्लॉग, यू नो, दैट जो लोग रुकता है ना, जो ना एक लोगों के अंदर घबराहट, डर व्लॉग करने में रहती है कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग क्या हरकत करेंगे, क्या सोचेंगे, हम ये करेंगे, कोई क्रेजी समझेगा। बिल्कुल समझने वाले लोग तो समझने को बहुत कुछ समझते हैं, हम भी व्लॉग करते हैं तो लोग हम बहुत निगाहों से देखते हैं, बहुत लोग स्टेयर करते हैं, बट यू आर ब्लॉगिंग फॉर योर सेल्फ। वो थोड़ी देर देखते हैं, उनको कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, तो उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है आपका ब्लॉग में देखना, ठीक है। बट
हाँ कोई ज़रूरत नहीं है उनको आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना, वो सिर्फ स्टेयर करते हैं उनकी लाइफ में, आप इंटरेस्टिंग नहीं है आपकी ब्लॉगिंग में। सो घबराहट मत किया करो कि कोई कहेगा क्या, कहेगा क्या सोचेगा, ये सब सोचने वाली बात है। हाँ ये कोई वो नहीं है, सब थोड़ा सा देखते हैं, वो मैटर नहीं करता है। यही दूसरी चीज़ है जो घबराहट होती है लोगों को ब्लॉगिंग करने में, वो ये कि पब्लिक में और हर जगह की लोग क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ नहीं है, आप बना रहे हो कोई वजह से बना रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो, वो थोड़ी देर के लिए देखेंगे फिर उसके बाद हट जाएंगे, उनके पास और भी काम है, ठीक है, आपको ब्लॉग ही नहीं। अब मैंने आपको ना एक दो टिप्स बताऊंगा जो कि हर ब्लॉगर जो स्टार्टिंग कर रहा है ब्लॉगिंग यूट्यूब पर उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ तो इसको आप कायदे से समझो और इस पर गौर करो, ठीक है, और इसको अपनाओ, इससे आपकी ब्लॉगिंग में बहुत ही क्या कहते हैं मदद होगी, समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं टिप देना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग में बहुत लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग को इस तरीके से कि वो करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं वो बताते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ अभी आपको कैसे ब्लॉग करना हो, ये चीज़ अलग हो गई, लेकिन इसको एक्शन में लेना वो अलग चीज़ हो गई। सो ब्लॉग का मतलब हो गया व्हाट यू आर डूइंग, यू नो, यू डोंट नीड टू से एवरीथिंग बट यू कैन रिफ्लेक्ट दैट थिंग्स यू नो इन एक्शन, यू नो, एंड यू कैन गो अलॉन्ग विद दैट। सो जो आप एक्शन करते हो, ज़रूरी नहीं कि जो आप वो कर रहे हो आप यही जगह हो कि वहाँ से आप दूसरी जगह गए हो, कि वहाँ से दूसरी जगह गए तो आप बोलो मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ये ब्लॉगिंग नहीं है। ब्लॉगिंग कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह गए एक एक्शन सीक्वेंस में, इट्स अबाउट स्टोरी कि आप कैसे आप हो स्टोरी और आप कैसे इस स्टोरी को रिफ्लेक्ट करो, ठीक है, इट्स अबाउट स्टोरी, इट्स अबाउट एक्शन। सो आप जो भी एक्शन में आपके डेली में आता है उसको आप पार्ट को चंक्स में छोटे 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 करके आप डाल सकते हैं एक्शन में, ठीक है, तो वो होता है ब्लॉगिंग में, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स नॉट अबाउट ब्लॉग, इट्स अबाउट व्हाट यू डू इज अबाउट ब्लॉग, क्या आप करते हैं वो ब्लॉग होता है, ठीक है, इट्स अबाउट एक्शन। ब्लॉग की टिप्स में एक बात ये भी कहना चाहूँगा, आज टाइम में ये हो गया है कि जो आजकल मोबाइल जो होते हैं वो खुद ही इतने डिसेंट कैमरेज के जो होते हैं उसके रहते हैं और मेगापिक्सल रहते हैं, चाहे वो रियलमी हो रेडमी हो, इस चीप प्राइस के भी फ़ोन में आज स्टेबल अच्छे कैमरेज मिलते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई जब तक DSLR ना रहे या एक्शन कैमरा ना रहे ब्लॉगिंग करना बेकार है, जब हमारा आएगा तो हम करेंगे, तो ये तो एक्सक्यूजेस हो गई, ठीक है, एक्सक्यूजेस तो देने से तो आप ब्लॉग नहीं ना कर पाओगे। तो आपके पास जो है, यू नो, यू डोंट नीड टू बी हैव अ एक्सपेंसिव गियर, यू डोंट नीड टू बी हैव अ $1,000 DSLR एंड $100 ट्राईपोड एट $500 एक्शन कैमरा एंड ऑल दैट। यू कैन स्टार्ट द करियर इन ब्लॉगिंग ऑन यूट्यूब विद जस्ट योर फोन, भाई फोन से करो ना, फोन आपके साथ जो है वो आपको इतना अच्छा मदद करेगा कि बता नहीं सकता। सो यू डोंट नीड एक्सपेंसिव गियर, जस्ट स्टार्ट इट विथ वाट एवर यू हैव। मैंने जो शुरुआत किया था तो मैं आपको बताऊँगा, when I did started vlogging, you know, way back in 2018, I started with this phone, you know, Infocus का phone था, because you know, vlogging is all about passion and the life of your, the daily sharing of your life, you know, through videos, huh? That is actually called vlog, you know, the passion that influence you to share your life with your audience on the YouTube. So ये होता है, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था ये। सो डोंट लेट गेट मी रॉन्ग कि अगर मैं आपको, कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई ये तो हमको कह रहे हैं कि मोबाइल से करो, हाँ तो आप मोबाइल से करने को कह रहा हूँ, इफ़ यू कैन मैनेज टू हैव DSLR एक्शन कैमराज एक्सपेंसिव गियर देन गो हैड, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक्सपेंसिव गियर रहेगा तभी आप ब्लॉग कर सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब है, समझ रहे हो, द थिंग इज़ लाइक दैट, यू डोंट नीड एक्सपेंसिव गियर बट इफ़ यू कैन मैनेज गो अहेड नो प्रॉब्लम। तो ये मत समझना, मैं मानता हूँ एक्सपेंसिव गियर ये एक्चुअल जो मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये और DSLR में तो फ़र्क रहेगा ही, ठीक है, एक्शन कैमरा में फ़र्क रहेगा, बट द थिंग इज़ लाइक दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप you just don't need to be have a expensive gear, that's all, ठीक है। और मैं मानता हूँ उससे क्वालिटी अच्छी रहती है, आज के टाइम में मैटर करता है कैमरा, लेकिन वो उनके लिए रहता है जो एक लेवल पर आ जाए, ठीक है, जिनकी ऑडियंस बढ़ जाती है या वो कुछ यूट्यूब पर अब तक अचीव कर लिए हैं, ठीक है,
स्टार्टिंग लोगों के लिए वही सही है जो उनके पास है। ठीक, मानता हूँ कैमरा से क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है, कैमरा से क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, आपको वीडियो फुटेज अच्छा मिलेगा, लेकिन आप अभी स्टार्टिंग तो कर रहे हैं तो आपके पास जो है उसी से करिए। बाद में अगर आपका जब चैनल बढ़ेगा तो आप ले सकते हैं, वरना आप चाहे तो अभी भी ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूवमेंट तो होती है। आई जस्ट नोटिस आई बीन स्वेटिंग रियली हार लाइक नेवर बिफोर, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, यू नो आई जस्ट सीन दैट इट्स बीन आई बीन स्वेटिंग टू मच, बहुत पसीना हो रहा है यार, बहुत गर्मी हो गई है, अभी सुबह का 10 ही बज रहा है और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और जैसे आप देख सकते हो ना, अभी मेरा ना कमरे में थोड़ा सा सफाई हो गया, और सफाई करना है, काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, ठीक है, और रिनोवेशन का काम अभी होना है थोड़ा सा, और ऊपर हमें जाली लगवानी है, थोड़ा सा लॉकडाउन हटे, चूँकि लॉकडाउन लगवा तो जो काम रहते हैं मिस्त्री वाले लोग जो रहते हैं वो काम इस समय कर नहीं पा रहे, तो हम लगवा नहीं सकते, इसीलिए जहाँ टाइम लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम जाली लगवाएंगे, या तो जाली एक रेडीमेड आती है कबूतरों की, उसको लगाएंगे वहाँ बाहर दरबे के बाहर, होपफुली वेरी सून। आपके पास कुछ आइडियाज़ और शेयर है जो कबूतर से रिलेटेड, आप उसको ना कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपका कमेंट पढ़ना पसंद करता हूँ। सो कैसा लगा ये वीडियो, पर हैज़ माई अदर वीडियोज एज वेल, कैसी लगी टिप्स हैं हाउ टू ब्लॉग की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वो है स्टार्टअप, यू नो मानता हूँ यार, इस समय ब्लॉगिंग ट्रैवल ब्लॉग जो मेरा था, मेरा ब्लॉग तो आप कर सकते हो, मैं जैसे कर रहा हूँ घर का या अपने शहर का आप कर सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉग मेरा बंद हो गया 2020 में, यार क्या बोलो। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना, डिस्क्राइब 2020 इन योर वर्ड्स, ओके, इसका जवाब ना कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। और बता, ट्रैवल वाला मेरा बंद ही हो गया है अभी फ़िलहाल, होपफुली जल्दी सही है माहौल हो, ये जो पैंडेमिक है काफ़ी दिनों से हो गया है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, मेरी यही है गुजारिश कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो और फिर मैं अपना ट्रैवल ब्लॉग वापस चालू कर सकूँ। ट्रैवल ब्लॉग करने में जो मज़ा है ना भाई, वो किसी में नहीं है, ब्लॉग में है डेली ब्लॉग में, लेकिन ट्रैवल ब्लॉग इज जस्ट अमेजिंग। सो मेरे पास मेरे दोस्तों लोगों की तरह है और लोगों की तरह है, वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ है जो मेरे पास है, जैसे मैं देखे वहाँ मैं भी इस समय ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, कबूतर को खाना खिलाया, बंदर को खाना खिलाता है और अपना काम कर रहा हूँ, इस समय मैं बैठा हूँ, इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ, हाँ अरे मैं खड़ा हूँ अभी, हाँ अभी बैठा हूँ तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये तो ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ये ही है स्टोरी है, यही ब्लॉग है, ठीक है, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास नहीं है कुछ दोस्त, और मेरे पास नहीं है हेलीकॉप्टर, स्पेशल कार्स, बहुत तगड़ी भयंकर स्केट बोर्ड्स और रोलर कोस्टर, तो मेरे पास जो है मैं उससे ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं आपके साथ इसमें बैठा हूँ और अपनी स्टोरी और अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का ब्लॉग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ होना जरूर हो, जो आपके पास है वही आपको ज़रूरत है ब्लॉग में लाने की, यू जस्ट नीड अ लिटिल टू स्टार्ट अप ब्लॉग। सो मेरी जो टिप्स है उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल करना, इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑन ब्लॉगिंग बी कॉन्फिडेंट, हाँ डोंट लेट योर इनहिबिशन पुट यू डाउन फ्रॉम योर पैशन, यू नो जस्ट स्टार्ट अप ऑन यूट्यूब ब्लॉग, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट डू इट, है ना, जस्ट डू इट, लाइक वी से यू नो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, सो स्टे ऑसम, स्टे स्माइलिंग, आई विल कीप यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, हाँ बाय बाय, सी यू। जो है ना यहाँ है, इसके ऊपर ये मैंने ये लगवा दिया, ठीक है, छोड़, ओह माय गॉड।